वेलकम टू बीसी 365 यूट्यूब चैनल। तो आज पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट आसाम से काफी बड़ा वैकेंसी आया है, 1000 के ऊपर वैकेंसी है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो एप्लीकेशन आया है 27 अगस्त को आया है, जिसका लास्ट डेट 17 सितंबर 2020 मिडनाइट तक है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे पोस्ट डिटेल्स है यहाँ पे दिया हुआ है, जो नेम ऑफ पोस्ट है, वैकेंसी है यहाँ पर, और पे स्केल है यहाँ पर दिया हुआ है। ये सभी पोस्ट के लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, और जो ग्राम गांव पंचायत सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसके लिए कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी है। बाकी सभी पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होने से हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है, ये जो पीडीएफ है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व एससी एसटी और उसके हिसाब से किसमें कितना वैकेंसी है उस हिसाब से यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल और कैजुअल एम्प्लॉय है वो लोग को रिलैक्सेशन मिल जाएगा 7B ऑफ एडवर्टाइजमेंट में, वो नीचे दिया हुआ है। जो कैंडिडेट एज होगा, जो मिनिमम जनरल के लिए 38 ईयर्स होगा, और जो मिनिमम होगा वो 18 होगा, मैक्सिमम 38 और मिनिमम 18 होगा 1 जनवरी 2020 के हिसाब से। बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर 5 साल 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे हम लोग ने बोला है, जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और गांव पंचायत के लिए सेक्रेटरी के लिए कॉमर्स ग्रेजुएट होना जरूरी है, और कंप्यूटर नॉलेज, फेयर नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज आइदर इन एसएमएस बंगाली और बोडो इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ये सब लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ आना चाहिए कोई भी। आपको या पर फिजिकल या मेंटलिटी जो मेडिकल चेकअप होगा वो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अप्लाई कैसे करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे करना है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। जो लोग पहले से करते उन लोग को पता होगा, अगर कोई नया है तो अगर कोई कन्फ्यूजन होने से पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर डिटेल्स दिया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए सब दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, जो OMR बेस में होगा। हर एक स्टेट के डिफरेंट सेंटर्स होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा, उसका नेगेटिव मार्किंग 1/2 मार्क का होगा। आपको ब्लैक पेन से OMR पे आंसर करना होगा। जो यहाँ पर जो कोर्स होगा 3 पार्ट्स में होगा, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन आसाम, जनरल इंग्लिश, ये सब रहेगा। लेकिन गांव पंचायत सेक्रेटरी के लिए अकाउंटेंसी भी अलग से पूछा जाएगा, ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या क्या लेके जाना है एग्जाम में यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, वो सब हम लोग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप पहली बार एग्जाम किसी स्टेट गवर्नमेंट में दे रहे हैं या फिर आप पहले भी दे चुके हैं। अगर पहले बार दे रहे हैं तो यस लिखिए, वरना नो लिखिए कॉमेंट पे, हम लोग देखना चाहते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट पे बोल सकते हैं। यहाँ पर जनरल दिया हुआ है, और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूले, ताकि आप सभी गवर्नमेंट जॉब का अपडेट्स और आपको मिलता रहे। यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आपको आप इसको अच्छे से पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।